तो हेलो एंड वेलकम बैक टू गाइस अनदर गेम प्ले वीडियो। जहाँ पे ना देखो इस बार भी हम GTA 5 को ही प्ले कर रहे हैं। जहाँ पे ना आपने हमारी पिछली वाली वीडियो में देखा होगा कि हमने बॉयलर सूट को परचेस किया था, मगर जो है अब जो है सारा का सारा सीन जो यहाँ पे क्रिएट होने वाला है बॉयलर सूट को यूज़ करने का, मास्क को यूज़ करने का, व्हीकल को यूज़ करने का, ट्रक को यूज़ करने का, सब कुछ यूज़ करने के जो अलग अलग मिशन थे भिन्न भिन्न प्रकार के, मगर यहाँ पर जो मेन मिशन है वही है। जहाँ पे ना देखो यहाँ पे जो माइकल ने एक FIB प्रोफेसर से जो है यहाँ पे डील करी है, और डील में जो बहुत सारा पैसा और ड्रग्स जो है यहाँ पे चुराना है, ऐसा कुछ करके यहाँ पे जो सीन क्रिएट होने वाला है। और FIB का मिशन है तो आप समझ ही रहे हो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा भसड़ मचने वाली है। और यहाँ पे जो तीनों के तीनों हमारे जो कैरेक्टर है माइकल, ट्रेवर और फ्रैंकलिन, तीनों के तीनों जो है एक साथ मिशन करने वाले हैं। और देखो ऐसा है नहीं कि एक साथ में जो है अलग अलग लोकेशन में रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक साथ ही लोकेशन में रहेंगे। और यहाँ पर ना आपको बहुत ही मज़ेदार और एक्शन से भरपूर यहाँ पे ये वाला मिशन देखने को मिल जाएगा। तो साथ में ना देखो गाइज, आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जहाँ पर ना देखो पर डे और रेगुलरली इसी वीडियो आती रहती है यूट्यूब चैनल विपुल गेमर्स में। पर डे और रेगुलरली मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी दिन ऐसा मिस नहीं होगा। तो एटलीस्ट ट्राई जरूर करना, अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करना ऐसे वाले वीडियो का टॉपिक। जहाँ पर ना देखो यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं तीनों के तीनों और प्लान बना रहे हैं। प्लान में जो है जैसे कि आप सामने की तरफ देखो, यहाँ पे हमने जो बॉयलर सूट परचेस करे थे और यहाँ पर जो ये वाले बॉयलर सूट है जिसे जो है तीनों की तीनों पहनने वाले हैं। और देखो यहाँ पे ना इस वाले मिशन, मैंने आपको पिछले वाले मिशन में सिर्फ बॉयलर सूट के बारे में ही बताया था, इसमें ना बहुत सारे ऐसे मिशन थे, किसी व्हीकल को छुपाना, ये मास्क जो है उसको भी परचेस करना, ऐसे बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के मिशन थे, मगर मैंने आपको जो बॉयलर सूट के बारे में ही बताया था। और अभी ना एकदम से कह लीजिए कि पूरा का पूरा हमारा मिशन जो है सेटअप हो चुका है, मतलब कि एक दूसरे को जो है अपनी अपनी व्हीकल लेके भेज दिया है माइकल, ट्रेवर, फ्रैंकलिन जो है यहाँ पर। अभी जो माइकल है ये वाला ट्रक चला रहा है जैसे कि आप सामने की तरफ देख रहे हो, इस ट्रक का भी जो है मेन काम है। अभी आप देखना वीडियो में, देखो वीडियो में एंड तक आप प्लीज़ हमारी वीडियो को एंड तक देखो, आपको ये वाला पूरा का पूरा मिशन जो है मैं बातचीतों में ही रीड करवा दूंगा। अभी मैं आपको बातचीत में ही रीड करवा दूंगा फुली, मेरा जो मिशन देखना, फिर यार यहाँ पर जो मैं आपको बता दूंगा तो यार वीडियो का टॉपिक ही क्या रह जाएगा। तो अभी जो है हमें जिस लोकेशन पर जाना है, मैप में जो येलो डॉट है बस यहाँ पे आके जो है हमें रुकना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं है, हम इसके करीब आ चुके हैं। बस यहाँ पे आके जो है हमें शायद रोकना है हमारी व्हीकल को। और यहाँ से जो ऊपर की तरफ जो है यहाँ पर ट्रेवर जो है यहाँ पर देख रहा है, अपना दूरबीन लगा के जो देख रहा है वो वाली व्हीकल आने वाली है। एक व्हीकल को जो है हमें बहुत बड़ी टक्कर देनी है, बहुत बड़ी व्हीकल आने वाली है, मतलब कि व्हीकल में जो है ऐसे कुछ सामान भरा हुआ है, पैसा है, ड्रग्स है, या फिर कोई ऐसी कोई सीक्रेट डिवाइस है, ऐसा कुछ हो सकता है शायद उस वाली व्हीकल में, जो कि एक मान लीजिए एक ट्रक जैसा ही है जिसको हमें पछाड़ना है, रोक के पछाड़ना है। तो देखो यहाँ पे डील ये हुई है कि शायद माइकल के साथ ऐसी डील हुई होगी कि माइकल जो है ड्रग्स और बहुत सारा पैसा जो है FIB से मांगा होगा, या फिर हो सकता है कि उसी व्हीकल में जिस व्हीकल को हमें रोक के पछाड़ना है उस व्हीकल में शायद बहुत सारा पैसा हो, या फिर कोई ऐसी सीक्रेट डिवाइस हो, या फिर ड्रग्स हो, कोकीन हो, ऐसा कुछ हो सकता है शायद। जहाँ पर देखो यहाँ पर जो इस ट्रक का हमने रास्ता रोक लिया है और यहाँ पर जो है ट्रक आ रहा है सामने की तरफ से, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो है कुछ दो पुलिस वाले बैठे हैं जो कि सीक्रेट तरीके से यहाँ पे जो है इसकी रखवाली करते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पर जो है फ्रैंकलिन यहाँ पर जो है बड़ी ही तेज़ी से इस वाली व्हीकल को चला के आ रहा है, और तेज़ी से इस वाली व्हीकल को चला के आ रहा है तो उसे जो बड़ी ही तेज़ी से यहाँ पे टक्कर देने वाला है। और टक्कर देने के बाद जैसे कि आप सामने की देख रहे हो यहाँ पे पलटी खा गई पूरी की पूरी व्हीकल जिसको हमें चुराना है। और यहाँ से जो मेन वाला सीन क्रिएट होता है और यहीं पर जो है डेंजरस वाली फाइट जो है यहाँ पर स्टार्ट होगी। तो अभी आप यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो है फ्रैंकलिन के पास एक ऑप्शन है बम लगाने का, बम लगा के जो इस दरवाजे को खोलना है। अभी मैं आपको खोल के भी बता देता हूँ। यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा पैनिक हो गया था भाई, जो है इस वाले वीडियो में जो है मतलब कि इस वाले टॉपिक में जो ये वाला सिनेमेटिक स्किन आया ना, मुझे बहुत ही मज़ा आया और मैं पैनिक भी हो गया था। तो अभी जो है यहाँ पर जो मुझे बताया जा रहा है कि इस दरवाजे के अंदर जो आपको बम को शिफ्ट करना है, ये वाला जो टाइमर है टाइम बम है, इसे आपको जो यहाँ पर लगा देना है। और लगा देने के बाद जो यहाँ पर दूर चले जाना है। अभी जो है मैं लगा देता हूँ एक बार, तो क्या बोल रहा हूँ मैं। और यहाँ से जो आपको थोड़ी सी दूरी बना लेनी है वरना आपका मिशन फेल भी हो सकता है अगर आप मर गए तो। और यहाँ से जो आपको ब्लास्ट कर देना है ऐसे कुछ करके, जो यहाँ पे ब्लास्ट भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हम इसे बटन प्रेस करके जो इसे ब्लास्ट कर देते हैं। और यहाँ पर जो है इसके अंदर से जो दो पुलिस वाले और निकले हैं जो कि हमारे सामने की तरफ आप देख रहे हो, इसे जो है आपको एम करके रखना है वरना जो है पुलिस केस भी कर सकते हैं हमारे ऊपर, और पुलिस केस जो है हो भी जाएगा। यहाँ पर जो है इस वाले सीक्रेट डिवाइस को चुराने के बाद, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर माइकल गया था अंदर
कुछ लेने और ले भी लिया शायद। और यहाँ पर जब सीन क्रिएट होता है पुलिस वालों का, चार चार केस हमारे ऊपर लग चुके हैं, मतलब लग तो नहीं चुके हैं, यहाँ से शायद हमें भाग जाना चाहिए मगर भागने का यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे चार केस जो है ऑलरेडी लग चुके हैं, पुलिस वाले भी आ चुके हैं और यहाँ पे जो है डेंजरस वाली फाइट जो है क्रिएट हो चुकी है। और इस फाइट को जो है देख के जो है एक बार अपने थॉट जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस कि आपने इस फाइट में जो है सब कुछ नोटिस किया होगा, रीड किया होगा, मगर एक चीज़ आपने जो है शायद रीड नहीं की होगी। तीनों को एक साथ आपने देखा, तीनों एक प्लेयर जो है एक साथ है एक ही लोकेशन में, और एक ही लोकेशन में आप अलग अलग प्लेयर को स्विच करके जो है प्ले भी कर सकते हो, तो वो जो है मुझे बहुत ही मज़ेदार लगा और मुझे बहुत ही मज़ा आया। और आपको यहाँ पर जो मज़ा आया था, मतलब आपने इस मिशन को प्ले किया होगा तो शायद आपको मज़ा आया होगा, तो अपने थॉट जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और यहाँ तक आप हमारी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ गाइस शेयर कर दो यार अपने 5 दोस्तों के साथ, एटलीस्ट शेयर कर देना अपने 5 दोस्तों के साथ इस वाली वीडियो का टॉपिक। और एंड तक देखना कि क्या हम इस यहाँ से निकल पाते हैं या फिर नहीं निकल पाते। तो अभी जाके जो है हमारे पास ट्रेवर का ऑप्शन आ चुका है, मतलब हमने जो है ट्रेवर को स्विच किया था, मैंने दो प्लेयर को प्ले किया मैंने माइकल और फ्रैंकलिन को, जहाँ मैंने देखो थोड़ा सा तो अच्छा लगा, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि बंदूकबाजी हो रही थी तो मुझे बहुत मज़ा आया। मगर ट्रेवर जहाँ मैंने देखो ट्रेवर जो है आपने देखा होगा सन की भी है इस वाले GTA 5 की गेम में जो है सन की प्लेयर कह सकते हैं तो इसे ही कह सकते हैं। और इसके पास जो है सन की हथियार भी है, एक बम है, और बम को जो है भाई कैसे मार रहा है आप देखो एक बार, मतलब कि समझ लो ये चार के चार केस है ना, ये शायद यहीं से हटाने वाला है और मतलब ज़बरदस्ती हटाने वाला है। पुलिस वाले की ज़बरदस्ती नहीं रहेगी यहाँ पर, हमारी ज़बरदस्ती रहेगी कि हमें जो यहाँ से निकलना है, ज़बरदस्ती निकलना है, और कोई भी जो है कुछ भी नहीं कर सकता है। इतना जो यहाँ पे ट्रेवर ने, मतलब कि ट्रेवर ने जो इतना तो ठान लिया है, मतलब पुलिस वालों ने जो चारों तरफ से घेर भी लिया है हमें, कहीं से हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, कहीं से इधर आ रहा है, किधर से वो आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है, मगर यहाँ पर जो हमारे पास और एक ऑप्शन है, कोई बात नहीं है, आप ट्रेवर को स्विच कर सकते हो। ट्रेवर के पास एक बहुत बड़ा हथियार है, जैसे कि आप सामने की तरफ देख रहे हो बम है, और बम को फेंकने के बाद जो किसी भी तरह का हेलीकॉप्टर हो वो डैमेज हो जाएगा। और अभी जो है मैंने स्विच किया है माइकल को, और माइकल के पास भी जो है मतलब बंदूक है यार, और कुछ भी तो है नहीं शायद, बंदूक ही है। और बंदूक को हम इस्तेमाल कर रहे हैं कवर में जाने के बाद, जो इस्तेमाल करना ज़रूरी रहेगा वरना आपका मिशन फेल हो सकता है, आपका प्लेयर अगर मर जाएगा तो मिशन कहाँ से रहेगा। तो ध्यान से इस वाले मिशन को प्ले करना, इस वाले मिशन में जो पुलिस वाले हैं वो ख़त्म ही नहीं होते हैं, चार चार केसेस आपके ऊपर जो है लग चुके हैं, चार स्टार केस लग चुके हैं। तो एटलीस्ट समझ लेना गाइस कि आपका प्लेयर जो है कितना पैनिक और कितने खतरे में है, तो आपको यहाँ से जो है निकालना है अपने प्लेयर को कैसे भी करके। और अभी जो है कैसे भी करके कैसे निकालना है तो ध्यान से देखना और एंड तक देखना है ये वाला गेम प्ले वीडियो हमारा। Got the first shooter. Man, that's some tight ass work, homie. You cold, my nigga.
the second shooter. I dropped that fucking cop. Snipers are gone. We're clear. Cop, turn the left here. Hey, when these motherfuckers gonna thin up? There's a sniper in the chopper. You better look out. Things are getting nasty. Hey, our bird got to go. T, there's a sniper in the chopper. You gotta bring it down. You should have let us go. Nice shot. Not many left. This looks like our window to get out, F. तो यहाँ पे ना मतलब कि ट्रेवर ने जो भी किया आपने सब कुछ देखा, यहाँ पर बम से हेलीकॉप्टर को उड़ाया, स्नाइपिंग करके जो छुपे हुए थे, जो कि छुपे हुए थे ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंगों में, जो पुलिस वाले हेलीकॉप्टर से नीचे आए और छुपे हुए थे और मैं छुप के मार रहे थे, तो उसको भी यहाँ पर ट्रेवर ने स्नाइपिंग करके मारा। और यहाँ पर जो फ्रैंकलिन के पास एक ऑप्शन आया है कि ट्रक को लेके भागना है यहाँ से, और ट्रक जो है वही वाला है। चाहे देखो हमने यहाँ पर बाउंड्री बनाई थी, मतलब कि दूसरे वाले ट्रक को जो रोकने के लिए रखा था, उसी ट्रक को आपको लेके जाना है जहाँ पे आपने व्हीकल को छोड़ा था। मतलब कि व्हीकल कौन सी, आपकी जो रेड कलर की मेरे पास व्हीकल है जो कि मैंने इसको छोड़ा था। और आपने पता नहीं अलग अलग मिशन रहते हैं, अलग अलग थॉट रहते हैं अलग अलग लोगों के, जहाँ देखो अलग अलग यूनिक मिशन रहते हैं। तो मेरे पास जो है रेड कलर की व्हीकल थी जिसे मैंने छोड़ा था, मतलब कि एक सीक्रेट लोकेशन पर, और सीक्रेट लोकेशन पर मुझे इस ट्रक को भी लेके जाना है। और मैंने आपको बताया अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि देखो इसमें ना ऐसा नहीं कि ये वाला मिशन जो है वो आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। ऐसे छोटे छोटे मिशन जो है आपको बहुत सारे करने हैं, किसी ट्रक को जो चुराना है या फिर मास्क लेना है, और यहाँ पर जो है बॉयलर सूट लेना है, और किसी व्हीकल को छुपाना है, ऐसे बहुत सारे ऐसे 3-4 मिशन जो है आप सिम्टम को इकट्ठा करके जो है रखोगे, और यहाँ पर जो सारे के सारे मिशन कम्प्लीट करोगे तभी आपको ये मेन वाला मिशन मिलेगा जिसे मैं अभी जो है खुद प्ले कर रहा हूँ। और अभी जो है मुझे वो व्हीकल पे लेके जाना है जहाँ पे देखो मैंने उसे छुपाया था। तो यहाँ पे जो है मेरे ऊपर तो कोई शायद केस नहीं लग रहे हैं, केस नहीं लग रहे तो एक बहुत ही अच्छी बात है। जहाँ पे देखो हमारे लिए रास्ता जो क्लियर है मेरी लोकेशन पे जाने के लिए। जहाँ पे देखो ये लोकेशन ना बहुत ज़्यादा दूर है, मैंने जिस हिसाब से व्हीकल को छुपाया था और मिशन जो थोड़ा सा मतलब दूर रह गया, तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे मुझे इस व्हीकल को लेके जाना है, मतलब इस ट्रक को लेके जाना है। उस ट्रक के पास लेके जाने के बाद जो है आपको इस ट्रक को पूरा का पूरा ब्लास्ट कर देना है, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि यह ट्रक जो है आपका है और आपने इसे चोरी किया है। तो समझ लेना कि आपको जो है वहाँ तक आप व्हीकल के पास पहुँच गए तो इस ट्रक को जो है ब्लास्ट भी कर देना। और अभी जो है पहले पहुँचते हैं, तो दो यार गाइज तो पहुँचते हैं यहाँ पर हमारी व्हीकल के पास। You hit me! Oh my God! Oh my God! That was insane! Damn degenerate!
तो फाइनली जाके जो है हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर ना देखो हमने व्हीकल को छुपाया था। ये रेड कलर की व्हीकल है, जैसे कि आप सामने की तरफ देख रहे हो यही वाली व्हीकल थी जहाँ पर देखो हमने इसे छुपाया था। और छुपाने के बाद जो है यहाँ पर जो है बस आपको कुछ भी नहीं करना है, इस ट्रक के नीचे उतर जाना भी जो मैं आपको नीचे उतर के बता रहा हूँ। जहाँ पर देखो यहाँ पर शायद ब्लास्ट करना जो मेरे लिए सेफ भी नहीं रहेगा क्योंकि जो यहाँ पर पुलिस वाले आ सकते हैं। तो अभी जो रोड के ठीक बीचों बीच यहाँ पर रख देता हूँ और यहाँ पर जो है शायद ब्लास्ट करना बेटर रहेगा। तो अभी यहाँ पे पहले तो मैं अपनी व्हीकल पे चढ़ जाता हूँ, मतलब व्हीकल जो है अपनी उठा लेता हूँ। जब देखो भागने में शायद आसानी रहेगी कि अगर हमने जो है ट्रक को ब्लास्ट कर दिया तो भागने में जो है थोड़ी सी आसानी रहेगी, वरना हमारे पास पुलिस केस हो गए तो शायद कौन ही हमें बचाएगा। और इसी व्हीकल को आपको उठाना है, ऐसा नहीं कि दूसरी व्हीकल को आपने उठा लिया और यहाँ से निकल लिए, ऐसा बिल्कुल भी मत करना क्योंकि आपका मिशन जो यहाँ पे फेल हो सकता है। तो अभी जो है हम यहाँ पे पहुँचते हैं ट्रक के पास, नहीं शायद हमने ट्रक को ब्लास्ट भी कर दिया है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि हमने ट्रक को जो ब्लास्ट कर दिया है। तो ट्रक को ब्लास्ट कर दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। यहाँ से आपको ये वाला एरिया जो है पूरा का पूरा लीव कर देना है, इस एरिया में आपको रुकना नहीं है वरना समझ रहे हो ना आपके आपके ऊपर पुलिस केस हो सकते हैं कि भाई कोई भी बता देगा यार कि आपके ऊपर पुलिस केस हो सकते हैं। तो एटलीस्ट उतना ज़रूर ट्राई करना है, इस वाले एरिया को लीव कर देना है, आपका मिशन जो है पास हो जाएगा। और होपफुली देखोगा जब आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, उतना काम करते हो तो अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करना इस वाले वीडियो का टॉपिक। और मैं मिलता हूँ आपको ऐसे कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइज़।